आज हम सिवहर लोकसभा क्षेत्र की बात करेंगे, जहां पर लगातार अब कयास लगाया जा रहा है कि आनंद मोहन अपनी पत्नी के लिए खूब फील्डिंग कर रहे हैं, राजपूतों को एकजुट कर रहे हैं और दिखा रहे हैं तमाम पार्टियों को कि हमारे पास राजपूत वोट बैंक है, अगर हमें कोई भी अपने दल में शामिल करता है उसे फायदा होगा और उसके पास शर्त बस एक ही है कि हम मेरी पत्नी को सिवहर लोकसभा से टिकट देना पड़ेगा। उसी सिवहर लोकसभा क्षेत्र की बात करेंगे, उसके इतिहास के बारे में बताएंगे और बताएंगे कि लड़ाई में 2024 की लड़ाई में कौन कौन मैदान में उतरने वाला है। लेकिन उसके पहले नमस्कार, मेरा नाम शशांक पांडे है, आप जनता जंक्शन पर मुझे देख रहे हैं, कैमरे के पीछे विशाल खड़े हैं और सिवहर लोकसभा क्षेत्र की बात कर लेते हैं, इतिहास जान लेते हैं। 1991 से ज्यादा पुराना इतिहास नहीं जानेंगे। 1991 में हरि किशोर सिंह जनता दल से वहां से सांसद बनते हैं। 1996 में आनंद मोहन जो कि समता पार्टी से वहां से सांसद चुने जाते हैं। फिर 1998 में उपचुनाव होता है क्योंकि 97 के अंत में केंद्र की सत्ता में परिवर्तन होता है, फिर उपचुनाव होता है तो आनंद मोहन फिर से जीत जाते हैं। इस बार इनकी पार्टी रहती है ऑल इंडिया राष्ट्रीय जनता पार्टी, जो कि आनंद मोहन की पार्टी होती है। और उसके बाद 1999 में चुनाव होता है तो मोहम्मद अनवर अब्दुल हक जो है वो चुनाव जीत जाते हैं। और उसके बाद 2004 में सीताराम सिंह राजद से चुनाव जीतते हैं। 2009 में रमा देवी जो है वो भाजपा से चुनाव जीतती है और लगातार वहां से चुनाव जीतते थे। 2019 तक 2014 और 2019 का भी चुनाव वो सिवहर लोकसभा से जीतती है। ये तो इतिहास हो गया कि किस तरीके से तमाम पार्टियों ने अपना दबदबा वहां पर बनाया है, दिखाया है कि हम सिवहर से चुनाव जीतेंगे। एक तरह से अगर देखा जाए तो राजपूतों का बोलबाला भी है, राजपूत अगर चाहे तो वहां से अपना सीट निकाल सकता है और इसीलिए आनंद मोहन राजपूतों को एकजुट कर रहे हैं। और अब आते हैं कि 2014 और 2019 में किसे कितना वोट मिला था, कौन दूसरे नंबर पर था। तो 2014 में रमा देवी को वोट मिला था 3,72,506 वोट। वहीं दूसरी तरफ उनके जो विरोधी हैं वो थे MD अनवारुल हक, उनको वोट मिला था 2,36,267 वोट, यानी कि 1,36,239 वोटों से उनकी हार हो गई थी। और फिर 2019 में आते हैं तो 2019 में रमा देवी को वोट मिला था 6,08,678 वोट। वहीं उनके विरोधी थे राजद के सैयद फैसल अली को वोट मिला था 2,68,318 वोट, यानी कि 3,40,307 वोटों से वो चुनाव हार गए थे। और अब आते हैं कि 2024 की लड़ाई में कौन कौन है। 2024 के लिए आनंद मोहन लगातार फील्डिंग कर रहे हैं, जब से जेल से बाहर आए हैं लगातार बिहार के हर जिले में जा रहे हैं, राजपूतों को एकजुट कर रहे हैं। और राजपूतों को एकजुट करने के पीछे एक बड़ी वजह है, वजह यह है कि वो अपनी पत्नी को राजनीति में सेट करना चाहते हैं, लोकसभा का चुनाव लड़ाना चाहते हैं, सिवहर लोकसभा जहां से वो खुद सांसद रह चुके हैं, और इसीलिए वो लगातार जो है फील्डिंग कर रहे हैं ताकि अभी उनका बेटा जो है वो राजद से विधायक है और वो चाहते हैं कि पत्नी भी तो राजद की नेत्री है। तो इस बार राजद ये देखे कि आनंद मोहन के पास राजपूतों का वोट है और अगर आनंद मोहन की पत्नी को सिवहर लोकसभा से टिकट देते हैं तो जितने भी लोकसभा में राजपूत वोट है वो हमारे पक्ष में आ जाएंगे, क्योंकि आनंद मोहन हमारे लिए पैरवी करेंगे तो फिर राजपूत वोट जो है वो हमारे पाले में आ जाएंगे। और अब आते हैं एनडीए गठबंधन में भाजपा की वहां पर प्रत्याशी हैं जो कि अभी वहां के मौजूदा सांसद है रमा देवी। तो रमा देवी का खबर ये है कि इस बार इन्हें भाजपा जो है वो टिकट नहीं देगी क्योंकि इनकी उम्र भी हो गई है और लगातार ये 3 बार वहां से सांसद भी बन चुकी है। तो रमा देवी को इस बार कहा जाएगा कि आप आराम करिए, तो आने वाले समय में रमा देवी के परिवार से या फिर इनके बेटे को आगे बढ़ाया जाएगा और रमा देवी अपने बेटे और अपने घर वालों के लिए जो है लगातार भाजपा के शीर्ष नेतृत्व से बात कर रही है। वो कह रही है कि मेरे बदले मेरे परिवार के किसी सदस्य को टिकट दे दिया जाए, मेरा सीट सिवहर जो है वो सुरक्षित सीट हो चुका है मेरे लिए क्योंकि लगातार मैं वहां से 3 बार से सांसद हूँ और अच्छा खासा वोट भी मिला है। 2019 में 6 लाख वोट मिला है मुझे, तो एक अच्छा
मेरा पहचान बन चुका है। और अब आते हैं कि एक तरफ और मारामारी होगा राजद के जो 2019 वाले उम्मीदवार है फैसल अली लगातार शिवहर में कैंप किए हुए हैं और वो कह रहे हैं कि इस बार भी हमारी दावेदारी होगी। अब राजद के दो दो उम्मीदवार हो गए हैं, एक तरफ आनंद मोहन भी जो है वो ताल ठोक रहे हैं। आनंद मोहन तो शिवहर छोड़ना नहीं चाहते और वो तो लगातार डंडे की चोट पर कहते हैं कि शिवहर मतलब कि आनंद मोहन शिवहर लोकसभा लवली आनंद वहां से चुनाव लड़ेगी, डंके की चोट पर कहते हैं। वहीं दूसरी तरफ राजद के जो 2019 वाले उम्मीदवार हैं फैसल अली वो भी कहते हैं कि इस बार हम भी चुनाव लड़ेंगे, अब इसमें तानातानी होगी, आनंद मोहन को तो टिकट देना पड़ेगा क्योंकि आनंद मोहन को अगर टिकट दिया जाए तो डायरेक्ट 10 लोकसभा सीटों पर फायदा होगा क्योंकि देखा जाता है कि 10 लोकसभा सीट ऐसे हैं जहां पर राजपूत तय करते हैं कि सांसद कौन बनेगा और राजपूत वोटर वहां पर अधिक हैं, इसलिए तेजस्वी यादव जो है ये गलती नहीं करेंगे। लेकिन फिर यहाँ और एक बड़ा समस्या होता है, फैसल अली मुसलमान है और अगर मुसलमान को टिकट न दिया जाए तो फिर बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी, ऐसे भी मुसलमान जो है वो राजद से नाराज है। तो अब यहाँ तेजस्वी जो है वो मुसीबत में पड़ने वाले हैं शिवहर लोकसभा को लेकर। अब देखिए क्या होता है इस बार शिवहर से तेजस्वी यादव किसे उम्मीदवार बनाएंगे, एम को या फिर आर यानी राजपूत को, तो किसे उम्मीदवार बनाएंगे तेजस्वी यादव। और सबसे बड़ी बात है कि ये सीट जो है वो राजद के पाले में ही जाएगा, राजद लगातार शिवहर के लिए फील्डिंग कर रहा है। नीतीश कुमार और लालू यादव में कुछ सीटों पर सहमति बन चुकी है कि ये सीट आपके पास रहेगा ये सीट हमारे पास रहेगा, इस पे कोई कुछ नहीं बोलेगा। अब देखिए क्या होता है शिवहर लोकसभा क्षेत्र को लेकर। लेकिन भाजपा की जो उम्मीदवार है रमा देवी उनसे भाजपा लगातार कह रही है कि आप आराम करिए अब आपकी उम्र हो गई है, क्योंकि भाजपा में एक नियम है कि 70 से 75 के बाद वो किसी को टिकट नहीं देता है। तब ऐसे में रमा देवी की भी उम्र हो चुकी है, रमा देवी को भाजपा टिकट नहीं देगा तो रमा देवी अपने परिवार के लिए फील्डिंग करेगी। एनडीए गठबंधन के लिए हो गया और इंडिया गठबंधन के लिए आनंद मोहन और फैसल अली अभी पहले नंबर पर है लिस्ट में। अब देखिए 2024 में क्या होता है। बहरहाल इस खबर में इतना ही, बने रहे हमारे साथ और देखते रहे जगह।